मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम ट्रेपेजियम और काइट्स को डिस्कस किए थे। ऑल फीचर्स हम डिस्कस किए थे। तो आज की क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेपेजियम। हु कैन से रेज योर हैंड। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है उसके फीचर्स क्या होगा। रेज योर हैंड किसको आता है। जिसको आता है वो भी बताएंगे। दो ही बच्चे हैंड्स रेज किए हैं। बाकी तीन। वेरी गुड। प्लीज सब अपना कैमरा ऑन कीजिए तभी मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों का आ रहा है कि मैं। रेज योर हैंड। हाथ ऊपर उठाइए। ओके प्रियंशी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैम और ट्रेपेजियम इज अ फर्स्टली ट्रेपेजियम इज अ कोरिलेटर वेयर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। सो एक्स साइड देयर इज अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी द साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी और एंड इन अ ट्रेपेजियम ऑल द एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स एंड वी प्लेस एरो ऑन द साइड टू show the parallel lines to each other. आपने इतना ही बताया। और कुछ पूर्णिमा आप कुछ बताना चाहते हो। Yes, ma'am. Trapeziums are two types: isosceles trapezium and scalene trapezium. In isosceles trapezium, there are non-pendular sides equal, and in scalene trapezium, there are non-pendular sides are not equal. Very good. So, main points क्या है? जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है उसमें क्या है। आपको पता है कि ट्रेपेजियम में क्या होती है ना, एक पेयर पैरेलल होती है और एक पेयर नॉन पैरेलल होती है। जो नॉन पैरेलल साइड है वो जब इक्वल हो जाते हैं वो आइसोसेलेस है, जब नॉट इक्वल होते हैं स्केलिंग होते हैं। ठीक है। तो हम हमारे डिस्कशन किसके ऊपर है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होना चाहिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड काइट्स। तो फीचर्स तो ट्रेपेजियम का बता दिए, तभी काइट्स का फीचर्स आप बताओगे। ठीक है। उससे पहले और एक क्वेश्चन से आप सभी के लिए मैम मैं बताऊं। अश्विन प्लीज टेल मी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ काइट। Yes, बोलो। मैम काइट्स हैज फोर साइड्स एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। बोथ एडजेसेंट साइड है इक्वल। यस। तो काइट में आपको दे देगा क्या, पेरिमीटर दे देगा। पेरिमीटर मींस क्या है। व्हाट डू आई मीन, व्हाट डू आई मीन बाय पेरिमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या काइट में आपको पता है कि बोथ साइड्स क्या है। बोथ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एक एडजेसेंट साइड दे देगा तो दूसरा आपको निकालना है, पेरिमीटर दे देगा। तो आप लोग निकाल पाओगे, देखते हैं अभी उसको करके। ठीक है। यस मैम। यस मैम सॉल्व कर लेंगे, निकाल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हम देखते हैं। ठीक है। जब काइट की प्रॉपर्टी सबको पता है तो काइट को लेके हम वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन से कि काइट शेप पूल का पेरिमीटर दे रखा है, छोटे पेरिमीटर दे रखा है 40 मीटर। ठीक है। कितना दे रखा है पेरिमीटर 40 मीटर। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग बताओगे आंसर अभी। ठीक है। पेरिमीटर दे रखा है 40 मीटर। किसका पेरिमीटर है ये, काइट शेप पूल। काइट शेप, काइट शेप पूल में। ठीक है। उसका पेरिमीटर कितना है
आपका क्या होना चाहिए बोथ साइड बोथ एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए ठीक है बोथ एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए ऐसे होना चाहिए ठीक है दिस साइड इक्वल दिस साइड इक्वल ऐसे टाइप शेप ऊपर साइड दे रखा है लिसन अटेंटिवली नेक्स्ट और क्या दे रखा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स अदर टू साइड का लेंथ हमें निकालना है अदर साइड टू साइड्स बी एक्स फिर से क्या करेंगे देखो इतना हम कहानी नहीं लिखेंगे दिस इज मैथ दिस इज नॉट एसएससी ठीक है एसएससी नहीं हम कहानी लिखेंगे यहां पे मैथ में बस डायरेक्ट लिखो कि क्वेश्चंस हम पढ़ लिए क्वेश्चंस हम समझ लिए क्वेश्चन में से क्या दे रखा है हमें पता है क्या निकालना है पता है तो बस हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस हो गया जो बच्चा क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ काइट समझ में आ रहा है ना जो बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख दिया ना उसके लिए और कुछ लिखने के लिए जरूरत है ही नहीं क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने से ही पता चल रहा है मैम बताएं यस बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या लिखेंगे एम द पैरामीटर ऑफ द काइट इज गोस टू 40 मीटर From then लिखेंगे length of one side is goes to 9 meter. Yes. Then ma'am, the sides adjacent to this side will also be 9 meter. Yes, okay. So ma'am, then let the length of adjacent side be equal to x meter. Yes. Ma'am, then perimeter is equals to 9 meter plus 9 meter plus x plus x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे ना x plus 9 plus 9 वी ऑल आर नो दैट पेरिमीटर क्या है ना सम ऑफ ऑल साइड्स तो काइट में चार साइड है हम चार साइड लिख दिए ये हो गया आपका पेरिमीटर ये किसके साथ इक्वल होगा ना 40 के साथ इक्वल होगा ठीक है अभी उसको हम सॉल्व करेंगे तो बताओ नेक्स्ट लाइन का हम क्या लिखेंगे मैम 2x plus 18 yes. is equal 40 is equal 40 फिर हम नीचे 2x is equals to 40 minus 18 yes फिर नीचे 2x is equals to 22 2x is equal 22 yes ma'am फिर x is equals to 22 upon 2 2 upon 2
टू से कट दो, टू वन जा, टू से कट दो इलेवन, तो एक्स का वैल्यू क्या आया इलेवन। लास्ट में दिया आंसर इज राइट। यस मैम। ओके, तो एक्स क्या है इलेवन आ गया, तो अदर साइड पूछा था। यस मैम, इलेवन आया। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्या एक भी adjacent side दे देगा, अगर adjacent side तो equal होगा, ठीक है, दो साइड हमें पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, अदर टू साइड जब पूछेगा तो पेरीमीटर से क्या करेंगे, ये जो दो साइड दे रखा है उसको एड करके पेरीमीटर से माइनस कर देंगे, जितना होगा टू से डिवाइड करेंगे, सिंपल तरीके। yes, ma'am. ये काम तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी प्रतिनियम के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से व्हिच ऑफ दिस फीचर्स डिफाइन द ट्रेपेजियम और अ काइट। मैंने दो फीचर्स आपको भी बोलूंगी तो आप बताना कि फर्स्ट जो को फीचर्स बताऊं वो ट्रेपेजियम का है या काइट का है, आप बताओगे। ठीक है, लिसन अटेंटिवली। Is it quite all of you? Question है, one pair of opposite sides is parallel. One pair of opposite sides is parallel. Can you hear me, class? Yes, I'm trapezium. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन पेयर ऑफ साइड, टू पेयर होते हैं यहाँ पे, एक पेयर पैरेलल होते हैं और एक पेयर नॉन पैरेलल होते हैं। दे मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। जब इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जब इक्वल नहीं होगा तो स्केलर ट्रेपेजियम। यस, समझ में आ गया। तो ये था किसका फीचर्स, ट्रेपेजियम का फीचर्स। ठीक है, फीचर्स में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, जिसको आता है बताना। टू पेयर से पैरेलल साइड से इक्वल, आंसर काइट होगा। काइट आपको पता है, काइट में क्या होती है, दो एडजेसेंट आप कौन से पेज नंबर में हो? पेज नंबर चाहिए आपको? यस मैम। देखो, जब आपका क्लियर है कि ट्रेपेजियम के फीचर्स, टाइप के फीचर्स, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी पेज नंबर से उठ के आ सकता है। ठीक है, अभी हम और एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में दे दिया है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच of the four angles of quadrilateral if they are in the ratio 3:5:6:10। क्या दे रखा है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल हमें निकालना है, उसमें से चार एंगल के रेशियो दे रखा है, कैसे है वो चारों 3:5:6:10 कैसे है। ठीक है, 3:5:6:10 इस रेशियो में वो चार एंगल है। अभी हम ये चार एंगल का वैल्यू निकालेंगे, हमें वैल्यू पता नहीं है कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे। यू नो दैट क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल को मिलाएंगे, ऐड करेंगे, या सम ऑफ फोर एंगल्स इज इक्वल टू, बताओ, 360 डिग्री। यस, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, जिस
इसको पूछा ना रेशियो में पता है तो रेशियो भी एक्स ठीक है लेट रेशियो भी लेट बी रेशियो बी एक्स। और एक चीज मैं सभी को बता देती हूँ कि मैथ्स जब सॉल्व करते हैं ना तो वहां पे हिस्ट्री लिखने के लिए कोई आवश्यकता है नहीं। कम लाइन में दो लाइन लिखो तीन लाइन लिखो पूरा सारे मीनिंग हमें पता होना चाहिए ठीक है। तो तीन लाइन में भी मैथ कर लो बट आंसर सही होना चाहिए और उसका पूरा मीनिंग बैठना चाहिए। वो तीन लाइन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें क्या निकालना है सब कुछ पता होना चाहिए साफ साफ ठीक है तब आपका ठीक है। ये नहीं कुछ में बिल्कुल घुटुर-घुटुर करके पूरा लिख लोगे पूरा हिस्ट्री लिखोगे तो फायदा नहीं है मैथ में ऐसे नहीं किया जाता है ठीक है। तो लेट रेशियो भी एक बस हमें पता जब है कि सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री सभी को पता है 360 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्वेश्चंस के मुताबिक हम लिख देंगे अभी 3x plus 5x plus 6x plus 10x plus 10x 360। तो अभी हम क्या करेंगे ये सबको ऐड कर दो 5 3 8 4 24 ये सभी को ऐड करो कितना आ जाएगा 24x is equal 360 डिग्री। x इज इक्वल कितना हो जाए 24 से उसको काटो तो आंसर आ जाएगा आपका क्या 15 ठीक है। x का वैल्यू 15 डिग्री तो हमें तो निकालना है चार एंगल निकालना है तो एंगल 1 3x तो 3x का वैल्यू निकालो 3 × 15 45 नेक्स्ट हम निकालेंगे 5x 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 15 15 चार अंगल हमें पता चल गया कि फर्स्ट वन इज 45 डिग्री सेकंड वन इज 75 डिग्री थर्ड वन इज 90 डिग्री फोर्थ वन इज 150 डिग्री। ये चारों को जब हम ऐड करेंगे ना हमें 360 ही मिलेगा ठीक है। ये चारों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा 360 होगा क्योंकि सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। जब इस टाइप के क्वेश्चंस देगा तो हम ऐसे करेंगे कर लोगे बच्चों यस मैम आज के लिए इतना ही है हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू थैंक यू मैम बाय मैम ओके मैम बाय मैम।